नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पटना में बड़ी घोषणा की है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बिहार में कोरोना की वैक्सीन सबको मुफ्त में दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र जारी करने के दौरान उन्होंने कहा कि मैं गर्व महसूस कर रही हूं कि मुझे बिहार चुनाव में संकल्प पत्र जारी करने का मौका मिला है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में चार तरह के कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है और जब इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाएगा तो बिहार में कोरोना का यह वैक्सीन सबको मुफ्त में मिलेगा। उन्होंने बताया कि देश में चार तरह के वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लोगों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को राजनीति में अच्छी पकड़ होती है। वित्त मंत्री ने बताया कि भाजपा ने संकल्प पत्र को भरोसा का आधार रखकर जारी किया है। आपको बता दें कि भाजपा ने 5 सूत्र 1 लक्ष्य और 11 संकल्प की थीम दी है और आत्मनिर्भर बिहार का नारा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना काल में गरीबों को राशन और उनके खाते में पैसा पहुंचाने में उनकी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। संकल्प पत्र जारी करते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह और बिहार भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी मौजूद थे। इसके अलावा केंद्र के अन्य बड़े नेता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर भाजपा है तो भरोसा है का नारा और वीडियो सॉन्ग भी जारी किया गया। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 6 साल में गरीबों के लिए जितने भी वादे किए उनको पूरा भी किया, फिर चाहे वो गांव की तरक्की हो या फिर महिलाओं को स्वावलंबी बनाए जाने की बात हो। आपको बता दें कि बिहार के लोगों का दिल जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। भाजपा के बड़े नेता बिहार में लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पिछले 2 दिन में भाजपा के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जनसभाओं को संबोधित किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इस दौरान सभी नेता विपक्ष पर जमकर हमला भी बोल रहे हैं। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 23 अक्टूबर को बिहार आ रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भाजपा वाले जी जान से लगे हुए हैं। बताते चले कि इस बार बिहार में 3 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण मतदान 28 अक्टूबर को है, दूसरा चरण का मतदान 3 नवंबर को है और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होना है। 10 नवंबर को वोटों की गिनती होनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार के हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।